हाई गाइस, माई नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत दिन हो गए, मुझे कोविड हो गया था एंड ऑलमोस्ट 10 दिन लग गए मुझे ठीक से रिकवर होने में, बट नाउ आई एम बैक, आई एम फीलिंग फिट एंड फाइन। सो इस वीडियो में मैं अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करूँगा क्योंकि वो पीछे रह गया है। तो हम लोग ऑप्टिमाइजर्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है ऑप्टिमाइजर्स को पढ़ने के पहले, एंड दैट इज़ एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज। वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम एक एक करके सारे ऑप्टिमाइजर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो और डिस्कशन नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, चलो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है। एक्चुअली पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि EWMA क्या है और उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। सो हमारे पास ये कुछ टाइम सीरीज बेस्ड डेटा है, ठीक है? यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे डेट्स हैं और जो आपका वाई एक्सिस है यहाँ पे टेम्परेचर है। सो बेसिकली किसी एक सिटी का डे बाय डे रिकॉर्डेड टेम्परेचर को हमने प्लॉट किया एंड दीज आर द वेरियस टेम्परेचर्स। अब यहाँ पे आपको दो तरह के कर्व्स दिखाई देंगे। आपको पहला कर्व दिखाई देगा ये रेड लाइन, ये क्या है? ये है आपका एवरेज, सिंपल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, मीन, जो बोल लो, ठीक है? और ये जो ब्लैक कलर का कर्व दिख रहा है जो डेटा के साथ पूरा घुल मिल गया है, इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज। क्या होता है EWMA? सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। EWMA इज अ टेक्निक यूजिंग विच यू फाइंड ट्रेंड्स इन अ टाइम सीरीज बेस्ड डेटा। अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जो टाइम सीरीज बेस्ड है, मतलब किसी कंपनी के स्टॉक्स डेली कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किसी सिटी का टेम्परेचर डेली कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, इस तरह के डेटा का अगर आप ट्रेंड निकालना चाहते हो, पैटर्न निकालना चाहते हो, तो उसी के लिए EWMA यूज़ किया जाता है। यू कैन सी यहाँ पे भी जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रेंड शो कर रहा है, यही ट्रेंड ये ब्लैक वाला ग्राफ हमें निकाल के बता रहा है, ठीक है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में हम ढेर सारी पढ़ाई भी और करेंगे भी, बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग में यूज़ होता है, कंपनीज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में भी इसको यूज़ करती है, ये साइंस में सिग्नल प्रोसेसिंग के डोमेन में भी यूज़ होता है और हम इसे यूज़ करेंगे डीप लर्निंग में वाइल बिल्डिंग सम कूल ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है? अगले वीडियो में हम लोग मोमेंटम बोल के एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे, वहाँ पर यू वुड सी कि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? तो हमारा इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव है कि EWMA इन एंड आउट समझना है सो दैट हम उसको डीप लर्निंग में अप्लाई कर पाएँ, ठीक है? अब EWMA समझने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक एक्चुअली, बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि वाइल कैलकुलेटिंग एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज, आप बाद में आने वाले पॉइंट्स को ज़्यादा वैल्यू करते हो पुराने पॉइंट्स के कंपैरिजन में। जैसे टाइम सीरीज बेस्ड डेटा है, मतलब डे बाय डे डेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? मान लो मैं डे 3 पे हूँ, तो डे 3 पे जो पॉइंट है इसका वेटेज डे 1 वाले पॉइंट से ज़्यादा होगा। फिर हमने डी 4 रिकॉर्ड किया, डी 5 रिकॉर्ड किया, तो अब डी 5 का जो वेटेज है वो डी 3 से ज़्यादा होगा। एक ये फंडा आपको हमेशा याद रखना है, मतलब अगर ये जो पॉइंट है इसका वेटेज वुड बी ग्रेटर देन इसका वेटेज बिकॉज ये टाइम में बाद में आया, ये पहली चीज़ है, ठीक है? सेकेंड चीज़ क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा किसी भी पॉइंट का वेटेज रिड्यूस होता चला जाएगा। जैसे अभी इसका जो वेटेज है वो थोड़ी देर के बाद जब आप यहाँ पे पहुँच चुके होगे, यहाँ तक का डेटा आप गैदर कर चुके होगे, तो इसका वेटेज भी रिड्यूस हो चुका होगा, ठीक है? तो मैं आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूँ। एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज इज़ अ टेक्निक टू फाइंड आउट द हिडन ट्रेंड इन टाइम सीरीज बेस्ड डेटा, ठीक है? पैटर्न्स निकालने के लिए होता है, कई जगहों पे यूज़फुल है। और दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है EWMA कैसे काम करता है उससे रिलेटेड। पहला
कि बाद वाला जो पॉइंट है उसका वेटेज शुरू वाले पॉइंट के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होगा। सेकंड, किसी भी पॉइंट का ओवर टाइम वेटेज घटता चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला डिज़ाइंड है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फॉर्मूला होता कैसा है। सो गाइज, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट एक्चुअली है नहीं। सो कैसे इसको रीड करते हैं एक बार मैं आपको बताता हूँ। सो वी टी इज़ बेसिकली एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज एट अ पर्टिकुलर टाइम टी। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? बीटा मल्टीप्लाइड बाय वी टी माइनस वन, मतलब पिछले टाइम इंस्टेंस पे जो मूविंग एवरेज था, प्लस वन माइनस बीटा टाइम्स थीटा टी। थीटा टी क्या है? इस टाइम इंस्टेंस पे जो आपका डेटा है। और बीटा क्या है? बीटा इज़ अ कांस्टेंट जो 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, ठीक है। आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है। मैंने ये एक डमी डेटा ले रखा है जहाँ पे एक साइड टाइम एक्सिस है, अलग अलग डेट्स हैं। मैंने डेट्स नहीं लिखे, मैंने बस डी वन डी टू डी थ्री लिख दिया। और दूसरी साइड टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर डेट पे, इसी को हम थीटा बुलाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एट एवरी टाइम स्टेप वी विल कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो वी ज़ीरो जो होता है ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है मुझे। या तो कुछ जगहों पे ज़ीरो लिख दिया जाता है उसको डायरेक्टली, या फिर कुछ जीरो जगहों पे वी ज़ीरो एज एन एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज एट टाइम इक्वल टू ज़ीरो थीटा ज़ीरो के बराबर है, मतलब इस नंबर के बराबर। तो मैंने अलग अलग रिसोर्सेज देखे इंटरनेट पे और दोनों चीज़ें मुझे दिखाई दी। तो आई वुड पर्सनली प्रेफर दिस बिकॉज ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, बट आपको कुछ जगहों पर ये भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट वी वन। सो वी वन क्या होगा? वी वन इज एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज एट टाइम वन। बीटा का वैल्यू मान लो हमने थोड़ी देर के लिए ले लिया है 0.9, बिकॉज डीप लर्निंग में आगे हम पढ़ेंगे कि ज़्यादातर लोग बीटा का वैल्यू 0.9 लेके चलते हैं। तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट प्लस वन माइनस बीटा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा वन विच इज 13। वी नॉट क्या है? अगर हम ज़ीरो लेके चलें तो ये ज़ीरो हो गया और ये हो गया अपना 1.3, ठीक है। तो यहाँ पे आप साथ ही साथ ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। वी नॉट कितना था? वी नॉट आया ज़ीरो। वी वन कितना आया? 1.3। इसको आप कनेक्ट कर दो। फिर हम निकालेंगे वी टू। वी टू क्या होगा? 0.9 मल्टीप्लाइड बाय वी वन विच इज़ 1.3 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है। फिर ये भी कुछ नंबर आएगा, इसको भी आप प्लॉट कर दो। और इस तरीके से आप वी थ्री वी फोर वी फाइव लास्ट तक निकालो इस पॉइंट तक, और वो सारे कुछ इस तरीके से आएंगे और आप उसको ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है आपका एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज का। सो नाउ दैट वी नो कि एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, हमने उसको कैलकुलेट करना भी सीख लिया। अब थोड़ा इसकी बारीकियों के बारे में जानते हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये बीटा का क्या इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। सो एक जगह कहीं पे मैंने पढ़ा था कि एक इंट्यूशन आप इस तरीके से ले सकते हो एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज एज इफ एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज का एज इफ कि आप जो एवरेज निकाल रहे हो वो लास्ट 1/1 - बीटा डेज का निकाल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करना। अगर मेरा बीटा का वैल्यू मैंने 0.9 सेट कर रखा है तो इसका ये मतलब हुआ, एक बार हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 1 - 0.9 1.1 10। तो अगर आपने बीटा का वैल्यू 0.9 सेट कर रखा है तो आपका उस पॉइंट पे जो एवरेज है, किसी भी एक पॉइंट पे एवरेज है, वो ऐसे बिहेव करेगा एज इफ वो लास्ट 10 डेज का एवरेज है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अगर मैंने बीटा का वैल्यू 0.5 सेट कर रखा है तो ये हो जाएगा 1 1 - 0.5 = 1/0.5, मतलब 2 डेज।
तो अगर आपने बीटा का वैल्यू सेट कर रखा है 0.5, तो आपका किसी भी पॉइंट पे एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज विल एक्ट एज अ नॉर्मल एवरेज ऑफ प्रीवियस 2 डेज. ठीक है, ये आपको इंट्यूशन एक हमेशा याद रखना है कि बीटा का वैल्यू को चेंज करने से आपका EWMA का बिहेवियर कैसे चेंज होता है. ये सेम चीज़ मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी दिखाता हूँ. तो गाइज, मैंने ये 4 ग्राफ्स प्लॉट किए हैं सेम डेटा के ऊपर. मैंने EWMA कैलकुलेट किया है विद डिफरेंट बीटा वैल्यूज. ठीक है, यू कैन सी ये 4 अलग बीटा वैल्यूज के लिए मैंने आपका EWMA कैलकुलेट किया. अब ये है सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए 0.098. तो यहाँ पर यू कैन सी कि आपका एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज कुछ ऐसा है. थोड़ा सा आपने जब बीटा को घटाया तो वो थोड़ा सा और डेटा के साथ चलने लग गया. 0.5 पे और ज़्यादा काइंड ऑफ स्पाइकी हो गया है, और 0.1 पे तो बहुत ही ज़्यादा डेटा के साथ मूव कर रहा है. तो इसका इंट्यूशन क्या है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, वो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बता दिया है. जितना आप बीटा का वैल्यू ज़्यादा लेके चलोगे, आप उतना पुराने पॉइंट्स को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो. सिंपल सी बात है. ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी हमारे फॉर्मूले में भी क्या है, ये आप बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो VT-1. VT-1 क्या है? पास्ट के कंपोनेंट्स. ठीक है, VT-1 है पास्ट के कंपोनेंट्स. मतलब आप पुराने पॉइंट्स को कितना वेटेज दे रहे हो वो बीटा से डिसाइड हो रहा है. तो यहाँ पे आपको वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर बीटा इज़ वेरी हाई, इट मीन्स आप पास्ट के जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हो, पुरानी चीज़ों को बहुत वैल्यू कर रहे हो. और जैसे जैसे आप बीटा को घटा रहे हो तो आप अभी वाले पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो. एंड दैट इज़ वाई जब बीटा का वैल्यू बहुत कम है आपका ग्राफ इज़ वेरी स्पाइकी, बिकॉज करंट पॉइंट्स क्या हैं उसके हिसाब से आपका ग्राफ बहुत मॉड्यूलेट कर रहा है. आप इस एनालॉजी से इस पूरी चीज़ को समझ सकते हो. ये एक ऐसा बंदा है या बंदी है जो बहुत मूडी है. मूडी का मतलब आज क्या हुआ वो तुरंत उसके मूड को अफेक्ट कर रहा है. वेयर एज ये एक बहुत ही स्टेबल बंदा या बंदी है जो आज क्या हो रहा है उसके ऊपर उतना फोकस ना करके पूरा पास्ट में अभी तक कैसा चला सब कुछ उसका लाइफ, उसके हिसाब से उसका करंट मूड डिसाइड हो रहा है. यही डिफरेंस है. ठीक है, सो अगर आप बीटा का वैल्यू बहुत कम कर दोगे तो यू विल गेट अ वेरी मूडी ग्राफ. ठीक है, मतलब हर करंट इंस्टेंस के हिसाब से इसका बिहेवियर बदल जाएगा. तो आपको एक स्वीट स्पॉट डिसाइड करना पड़ता है. जनरली डीप लर्निंग में वो स्वीट स्पॉट ये है 0.9 वाला वैल्यू. और आप देखोगे ज़्यादातर लोग अपने ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स में बीटा का वैल्यू 0.9 लेके चलते हैं. बट आपको ये समझ होनी चाहिए कि बीटा कैसे इस कर्व को अफेक्ट कर रहा है. सो हमें बीटा की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई. अब मैं आपको एक और चीज़ का मैथमेटिकल इंट्यूशन देना चाहता हूँ. सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, कि जैसे जैसे नए डेटा पॉइंट्स आते जाते हैं हम नए वालों को ज़्यादा वेटेज देते हैं पुराने वालों के कंपैरिजन में. ये बात मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूँ. सो जो फॉर्मूला है वो आपने ऊपर भी देख लिया, मैं एक बार फिर से उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ. दिस इज़ द फॉर्मूला, राइट. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वी नॉट, वी वन, वी टू निकालेंगे. तो जैसा मैंने बोला वी नॉट 0 है, तो ऑटोमेटिकली वी वन हो जाएगा 1 - β θ1. वी टू क्या हो जाएगा, वी टू हो जाएगा बीटा टाइम्स वी वन प्लस 1 - β टाइम्स θ2. अब वी वन को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा बीटा इंटू 1 - β θ1 प्लस 1 - β θ2. अब अगर आप V3 निकालने जाओ तो V3 होगा बीटा V2 प्लस 1 - β θ3. V2 को अगर मैं रिप्लेस करूं इस वैल्यू से तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर 1 - β θ1 प्लस बीटा टाइम्स 1 - β θ2 प्लस 1 - β θ3. एक और लास्ट V4 निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ. V4 होगा बीटा टाइम्स V3 प्लस
वन माइनस बीटा टाइम्स थीटा फोर। वी थ्री का वैल्यू अगर मैं ये वाला पूरा पुट करूं तो वी फोर हो जाता है बीटा क्यूब वन माइनस बीटा थीटा वन प्लस बीटा स्क्वायर वन माइनस बीटा थीटा टू प्लस बीटा टाइम्स वन माइनस बीटा थीटा थ्री प्लस वन माइनस बीटा थीटा फोर। अगर मैं वन माइनस बीटा कॉमन निकाल लूँ तो मेरा आउटपुट हो जाता है बीटा क्यूब थीटा वन बीटा स्क्वायर थीटा टू बीटा थीटा थ्री प्लस थीटा फोर। अब आप चाहो तो इसको और आगे निकाल सकते हो या फिर टी के लिए जनरलाइज कर सकते हो, बट देखने की चीज़ ये है कि थीटा वन सबसे पुराना टर्म है, उसके बाद थीटा टू आया, फिर थीटा थ्री आया और फिर थीटा फोर आया। अब आप नोटिस करो कि थीटा वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा क्यूब, थीटा टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा स्क्वायर, थीटा थ्री के साथ बीटा और थीटा फोर के साथ वन। अब आपको एक बात पता है कि बीटा इज़ अ वैल्यू बिटवीन वन एंड ज़ीरो, तो गोइंग बाय दिस लॉजिक ये वाला लॉजिक भी ट्रू है। इसका मतलब आप जितना पुराना पॉइंट होता जा रहा है आप उसको उतनी और छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर उसको आप और छोटा बना रहे हो। तो यही इस बात का मैथमेटिकल इंट्यूशन है कि जब आप एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो पुरानी वैल्यूज़ को कम वेटेज देता है और नई वैल्यूज़ को ज़्यादा वेटेज देता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। सो गाइज, एक बार जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि पाइथन में एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने एक डेटा सेट लिया है डेली डेली क्लाइमेट का। बेसिकली इस डेटा सेट में दो कॉलम्स है, टाइम सीरीज बेस्ड डेटा है। एक कॉलम में आपके पास डेट है, दूसरे कॉलम में उस पर्टिकुलर डेट पे मीन टेम्परेचर क्या था दिल्ली में, ये रिकॉर्डेड है। और अगर आप प्लॉट करो तो आपको एग्जैक्टली वही ग्राफ दिखाई देगा जो मैं आपको शुरू से वीडियो में दिखा रहा हूँ। मेन चीज़ यहाँ पर है, पाइथन में पैंडाज में इनफैक्ट एक फंक्शन होता है EWM, इसको यूज़ करके आप एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर बस आपको एक पैरामीटर देना पड़ता है अल्फा। अब अल्फा कुछ नई चीज़ नहीं है, हमने जो अभी बीटा पढ़ा और ये जो अल्फा है ये दोनों बिल्कुल सेम है। अल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वन माइनस बीटा, मतलब अगर अल्फा का वैल्यू 0.9 है तो बीटा का वैल्यू 0.1 है, ठीक है। सो दिस इज द सिंटेक्स। इस सिंटेक्स से क्या होगा कि आप अपने हर रो के लिए एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करोगे। यू कैन सी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और ये देखो हर पर्टिकुलर डे के लिए एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो गया। इसको मैंने डेटा फ्रेम में मर्ज कर दिया है। सो अब एक एक्स्ट्रा कॉलम आ चुका है EWMA का। यू कैन सी जब 15 था तो 15.91, 18.5 से 17.26 और इस तरीके से ये वेरी कर रहा है, ठीक है। और लास्टली मैंने इसको यहाँ पे मैटप्लॉटलिब यूज करके प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपका काम है आप अलग अलग अल्फा वैल्यूज या फिर बोल सकते हो बीटा वैल्यूज के लिए ये ग्राफ प्लॉट करके देखो, अपने ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करो। और अगर आपको थोड़ी सी कोडिंग एक्सरसाइज चाहिए तो आई वुड रिकमेंड ये कोड आप खुद से लिखो, पैंडास का ये फंक्शन यूज मत करो, इट वुड बी अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई गेस आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सारे ऑप्टिमाइजर्स एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय।